चलिए आज हमारा काम मॉड्यूल है कि आज हम अपनी 2000 और 500 की नोटों से और देशों की कंट्री की करेंसी से कंपेयर करेंगे। स्टेट की करेंसी है ये चीन की और ये सिंगापुर की और ये हमारी इंडियन 2000 की नोट और ये 500 की नोट। चलिए पहले 2000 की नोट को अमेरिकी करेंसी से कंपेयर करते हैं। चलिए पहले लेंथ चेक करते हैं। ये देखिए 2000 की नोट वहां की $20 से भी लंबी है। इसे लाइट में देखते हैं। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि अगल बगल कोई गांधी जी या कोई चीज दिखते हैं जैसे। तो ये देखिए इंडियन करेंसी, इसमें 2000 यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है और गांधी जी की फोटो भी होती है, और ऐसे देखेंगे कुछ भी नहीं दिखता। और हाँ एक और बात बताएं, अगर ये लोग कह रहे हैं कि ये जो डॉट लगे हैं ये कोई चिप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बिना किसी सोर्स ऑफ एनर्जी के कैसे चल सकते हैं, ये तो फिर मजाक करने वाली बात हो जाती है। चलिए इस बार $10 से कंपेयर करते हैं सिंगापुर के। वहां की नोट काफी चौड़ी होती है, यहाँ की थोड़ी छोटी बनाई गई है, तो काफी लंबी है। और ये देखिए वहां की नोट की खासियत, ये ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे भी एक ट्रांसपेरेंट होता है। ये देखिए चीन की नोट की खासियत, यहाँ पे कुछ फूल जैसा बना हुआ दिख रहा है लाइट में, लेकिन नीचे देखेंगे तो नहीं दिखेगा। चलिए 2000 की नोट की तो कंपैरिजन हो चुका है, अब चलिए 500 के न्यू नोट को कंपेयर करते हैं हर एक नोट से। पहले लाइट में देखते हैं, देखिए इसमें भी गांधी जी बन रहे हैं और 500 का यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। इसमें भी ये डॉट है लेकिन ये कोई चिप या जीपीएस नहीं है। तो यहाँ देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये देखिए। चलिए अब साइज कंपेयर करते हैं। लंबाई में कम चौड़ाई में ज्यादा है सिंगापुर की नोट। रिकॉर्ड देखिए कलर कॉम्बिनेशन अमेरिका और इंडिया का लगभग सेम ही है। साइज तो ऐसे आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ की नोट हल्की लंबी है लेकिन चौड़ी कम है, लेकिन यहाँ की चौड़ी है लंबी कम है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे आप सब लोग तो जान ही चुके हैं कि सबका साइज। चलिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल पे, वहाँ पे लाल बॉक्स है, और अगर कोई कमी होती है तो कमेंट करके हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।
bottles, popping bottles.